स्वरूप जी, आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चंद बातें करते हैं रफी साहब के सिलसिले में। रफी साहब जितने अच्छे फनकार थे उससे ज्यादा अच्छे इंसान थे। कितने लोगों को उन्होंने मदद की। मैं जानता हूँ कि कोई गरीब म्यूजिक डायरेक्टर पहुंच जाता था तो उसका गाना भी गाने जाते थे और उससे पैसे नहीं लेते थे, उसको पैसे दे आते थे। ऐसा कमाल था। मैंने उनके साथ एक गाना गाया फिल्म में, फिल्म शिरडी के साईं बाबा में, साईं बाबा बोलो। तो उन दिनों मैं संगीत सीखता भी था, सिखाता भी था, आज भी सिखाता हूँ। देखिए प्रियंका बैठी है, इसको सिखा रहा हूँ, बनारस की है और हमसे गाना सीखती है। तो साईं बाबा बोलो वो गाना मैं गा रहा था। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, आंखें सूखी मन रोता है, बाबा हमारा क्यों सोता है, खोल के आंखें देख ले बाबा। मेरी और रफी साहब की हाइट बराबर थी इसलिए हमको एक ही माइक दिया गया था। हम और रफी साहब सामने सामने गा रहे थे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो बड़े खुश हुए, कहने लगे भी बहुत अच्छा गा रहे हो, वेरी नाइस, कहाँ से आए हो? तो मनोज जी ने जवाब दिया कि ये पंजाब का शेर है, पंजाब से आया। और उसके बाद हमारी रफ़ी साहब से बहुत अच्छी जान पहचान हो गई, अक्सर मिलते थे। बस हमें अफसोस है कि वो बहुत जल्दी चले गए। रफ़ी साहब को अभी और हमारे साथ रहना चाहिए था, गाना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को एक दो गीत रफी साहब के गुनगुना के आप बताएं, तो क्योंकि इस वक्त इंस्ट्रूमेंट पेटी आपके सामने है, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे है जैसे कांधे पे बादल घिरे हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। ऐसा मौका कहाँ मिलता है सुनने वालों? एक भजन सम्राट और रफी साहब के गाने इस अंदाज में गाए हुआ भी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे।